हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तुला राशि 2020 बड़ी खुशखबरी। वैदिक ज्योतिष अनुसार संपूर्ण राशि चक्र को कुल 12 राशियों में बांटा गया है और व्यक्ति का जन्म किसी न किसी राशि के अंतर्गत ही होता है। इन 12 राशियों के स्वामी ग्रह भी अलग अलग हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और उसके आने वाले कल के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको तुला राशि के लोगों के स्वभाव और साल 2020 में इस राशि के जातकों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में क्या है बड़ी खुशखबरी, इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के लोगों के स्वभाव के बारे में। तुला राशि के जातक नेचुरली कमाल के एक्टर होते हैं। इस राशि में जन्मे जातक दूसरों के साथ घुल मिलकर रहने में यकीन रखते हैं। ये लोग अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से निपटाने में कुशल होते हैं। न्याय के प्रति इनकी गहरी आस्था होती है और ये अपने प्रत्येक कार्य को पूरी लगन से करते हैं। ये विनम्र स्वभाव के होते हैं, जिस कारण हर तरह के झगड़ों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ये संतुलित, सुखद और सुंदर तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। अपने से जुड़े लोगों के भविष्य के प्रति ये बेहद गंभीर रहते हैं। अपने लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर ढूंढना इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये एक सच्चे और बेहतर दोस्त होते हैं। अब बात करते हैं साल 2020 में तुला राशि के जातकों के लिए क्या है साल की बड़ी खुशखबरी। राशिफल 2020 के अनुसार ये साल करियर में बड़े बदलाव आने के संकेत दे रहा है। कुछ कामों के प्रति आपको अधिक मेहनत करनी होगी, तो वहीं आपके कुछ काम आपकी सूझबूझ से आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिसके कारण आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी बड़े मान सम्मान से नवाजा जा सकता है, जो आपके और आपके परिवार के लिए बेहद खास समय होगा। करियर में उन्नति के योग हैं, किसी बड़े और प्रतिष्ठित पद पर नियुक्ति हो सकती है। हालांकि इस साल आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आ सकता है जो आपको आपकी मेहनत के बावजूद मन माफिक परिणाम देने में सक्षम ना रहे, लेकिन यदि आप एक बार ठान लें तो आपको इन चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे परिणाम एक बार फिर से आपके जीवन में दस्तक देंगे, जो आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। साल 2020 तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के मामले में बेहद अनुकूल रहेगा। भाग्य आपका काफी हद तक साथ देगा और आप बेहतर भविष्य के एक और पड़ाव की ओर बढ़ने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको पूरी तरह से आलस्य का त्याग करना होगा, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। पढ़ाई कंप्लीट कर चुके जातक यदि अपनी ओर से एफर्ट लगाएं, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। बेहतर शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। साल 2020 तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर सिद्ध होगा। इस दौरान धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ भी उठाएंगे। धन प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए निवेश और कार्य आपको लाभ कराने में सफल रहेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में लिया गया ऋण चुकता होने की प्रबल संभावना है। पूरे साल भर धनराशि का प्रभाव बना रहेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य के संपन्न होने के कारण खर्चों में वृद्धि की संभावना है। उत्तम वित्तीय प्रबंधन के चलते इस वर्ष आप खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगे। राशिफल 2020 के अनुसार पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। काम के सिलसिले में दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको खास ख्याल रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम जीवन में स्थिरता का अनुभव करेंगे। लवर्स एक दूसरे की मानसिक स्थिति को समझते हुए कार्य करेंगे, तो आपस में बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे। प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय काफी शुभ है। प्रेमी जोड़े विवाह के बंधन में बंधने पर विचार कर सकते हैं। राशिफल 2020 के अनुसार स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल आपके लिए शुभ रहेगा। आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को फिट रखने में कामयाब रहेंगे। नियमित रूप से योगाभ्यास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।